काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, संकट मोचन जी के दर्शन, नौका विहार और 80 घाट, यही सारे चीजें तो वाराणसी को वाराणसी बनाते हैं। और अगर आपको भी वाराणसी का दर्शन करना है, बस ये नहीं पता कि टूर प्लान कैसे करें, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। What's up YouTube fam? काशी विश्वनाथ के नगर बनारस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे दो दिन के लिए, और दो दिन काफी होता है पूरा का पूरा बनारस घूमने के लिए। पूरा तो नहीं घूम सकते, बट जितना हो सकता है ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। शाम के बज रहे हैं 4 और आज है 12 अक्टूबर, और मेरा पहला टास्क है कि मैं पूरी फैमिली को लेकर सबसे पहले तो आरती देखने जाऊँ, और आरती से पहले अगर टाइम मिला तो बोटिंग करने के लिए चलेंगे, आरती देखेंगे और कल सुबह उठते ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। ये अभी चल रहे हैं हम दशमेध घाट के तरफ। आरती ठीक शुरू होने से पहले एक जो चीज़ मैंने देखा यहाँ पे दशमेध घाट में, यहाँ पे व्हील चेयर्स की भी फैसिलिटीज़ है, तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहा है, चलने में प्रॉब्लम है, तो व्हील चेयर में बिठा के आप उनको दशमेध घाट तक लेके जा सकते हो, और वो आपको शायद काशी विश्वनाथ मंदिर तक भी लेके जाते हैं। 100 to 150 वो चार्ज करते, तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहा है आप उनको ज़रूर बिठा के लेके आना। वाराणसी तो हम दर्शन करेंगे ही, बट उसके अलावा ट्रेन से रिलेटेड मैं आपको आगे जाके बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो देखते रहें। 2019 में मैं आई थी और अभी सारे सीन्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अभी ऐसे बोट्स होंगे, पहले तो चलो बोटिंग कराते थे, लेके जाते थे घाटों पे, अभी बोट्स में बैठ के आप आरती भी देख सकते हो। तो हमसे उन लोगों ने चार्ज किया 200 rupees पर पर्सन। अगर आपको बार्गेनिंग आता है और अच्छी बात है, और ज़्यादा बार्गेन कीजिए। हम लोग तो 5 है फिलहाल, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बोट के तरफ। जैसे ही आप दशमेध घाट के तरफ घुसोगे तभी सारे बोट वाले आपके पीछे लग जाएंगे। कुछ है इवन 10 rupees में भी बोल रहे थे कि 10 rupees में बोट पे बिठाऊंगा, तो शायद वो बोटों का जो पूरा भर जाता होगा वही शायद 10 rupees का है, और जिस पे हम जा रहे हैं जहाँ पे आरती देख सकते हो वो तो 200 rupees का है। बार्गेनिंग करना आता है तो बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर किसी का शायद अलग 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 रेट रहता होगा। सामने आप देख रहे हो मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट के ठीक पास है काशी विश्वनाथ जी का नया गेट। तो बोट से यहाँ पे हर तरह के आपको मिल जाएंगे। जिस पे हम लोग गए थे वो 200 rupees था पर पर्सन, तो टोटल 5 लोगों का उसने 1200 ले लिया, क्योंकि इट वॉज लाइक कि वो बोटिंग पे कराएगा सनसेट के टाइम पे। उसके साथ ही साथ आरती भी आपको बोट से देखने को मिलेगी, बट ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि एकदम सामने वो जाएगी, वो सामने नहीं लेके जाती, वो पीछे से दिखाती है, क्योंकि काफ़ी सारे बोट्स आते हैं। उसके अलावा अलकनंदा क्रूज़ भी होती है यहाँ पे, शायद उसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी या तो 80 घाट से होती है, वो आप पता कर लेना। और एक और जो चेयर वाला था बोट, वो घुमाती नहीं है, वो सिर्फ बिठा के आपको आरती दिखाएगी, वो शायद पापा लोग गए थे, वो 100 rupees का था। एक और जगह आरती देखने का, दशमेध घाट जहाँ पे आरती होती है उसके ठीक ऊपर पीछे बैल्कनीज है, 2-4 बैल्कनीज, वहाँ पे चेयर लगाई जाती है, और चेयर का आई थिंक पर पर्सन 300 rupees है। वहाँ पे बैठ के आप एकदम सामने सामने आरती देख सकते हो, वो एकदम घाट पे ही है। तो यहाँ पे सारी बोट्स पार्क करता है शाम को, है ना, और यहाँ से आप आरती देख सकते हो। हालांकि हमारी बोट काफ़ी पीछे है, आप आगे भी जा सकते हो, आगे जाके वहाँ पे बैठ सकते हो। 100 rupees की ये चेयर है, ये वाले जो है ना 100 rupees के, कल पापा लोग गए थे, यहाँ से भी आप आराम से देख सकते हो, वो सामने आरती होने वाली है। वाराणसी में होटल्स के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको नॉन एसी भी रहना है तो वो 1500 के आसपास ही आ जाता है, और अगर आपको एसी चाहिए तो वो 2500 के ऊपर आएगा। देख लो भाई, बनारस हमेशा भीड़ रहती है, एक भी ऐसा दिन होगा जब बनारस खाली हो भाई। ये देख लो भाई, दशमेध घाट के वहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट है, बढ़िया। दिस इज माय फाइनल प्राइस। गाड़ी देखेंगे मैडम? नहीं भैया, दशमेध घाट से निकलते ठीक यहाँ पे जो चौड़ाई है नंदी जी जहाँ पे है, उसके ठीक ऑपोजिट पे आप देखना, यहाँ पे है अक्षय भोजनालय, राइट, अक्षय भोजनालय। यहाँ पे खाना बहुत ही फ्रेश मिलेगा अगर आपको लंच या डिनर करना है, और इसके ठीक साथ ही एक लस्सी की दुकान है जहाँ पे ठंडाई बनारसी ठंडाई लस्सी वगैरह मिलते, वो भी ज़बरदस्त है, मैं दिखा देती हूँ।
ये वाला ठंडा ही बाहर, ये रहे अंकल बढ़िया ठंडा बनाते हैं। बीमार मम्मी कहीं पे जाते बीमार हो जाती है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा डे वन। ये है संकट मोचन मंदिर का रास्ता, देख लो आप, ये बीच में ऐसा एक कुछ आएगा और सामने ही है। यहाँ पे हमने अपना ऑटो छोड़ दिया है, सामने वॉक करेंगे तो सीधा जाएंगे संकट मोचन के लिए। तो दोपहर के बज रहे हैं 12, काशी विश्वनाथ जी के तो दर्शन हम कर ही लेंगे, पर मुझे लग रहा था कि कुछ भी हो इस बार मुझे संकट मोचन जी का दर्शन करना ही है। तो लकीली इस बार भी संकट मोचन जी का दर्शन हो गया। ये दूसरी बार होगा जब मैं संकट मोचन जी के दर्शन कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, मन भर गया। ये भी आशा, ये मनोकामना भी पूरी हुई। आप चाहो तो अंदर पूजा भी दे सकते हो, बाहर से फूल वगैरह माला वगैरह लेके अंदर आप पूजा दे सकते हो, अंदर प्रसाद भी मिलता है। और आपको सामान, आपका सामान मतलब मोबाइल वगैरह बाहर रख के जाना पड़ेगा, बैग आप अंदर लेके जा सकते हो। जाइए और संकट मोचन जी के दर्शन करके आइए। तो संकट मोचन मंदिर के आसपास है तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, और अगर आप और आगे जाओ तो आएगा बिरला मंदिर। आप चाहो तो ये तीनों मंदिर एक ही साथ एक ही दिन में प्लान कर सकते हो। बिरला मंदिर है BHU के अंदर, तो उसके लिए आपको कैंपस के अंदर जाना पड़ेगा। बट तुलसी मानस मंदिर और दुर्गा माता का मंदिर यही पे ही है, सामने ही है, पास में ही है। ये निकल लिए हम लोग 80 घाट के लिए, लक्सा रामापुरा से 80 घाट पड़ गए 100 रुपए बाय ऑटो। चलो देखते हैं। 80 घाट पे भी यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट है। हम सर यहाँ 80 घाट घूमने नहीं आए, बल्कि हम 80 घाट से सीधा जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ, वो भी वाया बोट। आज हमारा बनारस में सेकेंड डे है और मेरे घर वाले आधे से ज़्यादा फूड पॉइजनिंग से गुजर रहे, इसलिए सुबह हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए हम निकल रहे हैं शाम की आरती के वक्त, क्योंकि गंगा आरती में सब लोग बिजी रहते हैं तो काशी विश्वनाथ उस वक्त थोड़ा बहुत खाली रहता है। ये को व्लॉगर, अब अपना ब्लॉग के बारे में बता दो। सतीश चक्रवर्ती फ्रॉम गोरखपुर, लिव इन पटना एंड बनारस। ओके, सो यू आर ट्रैवलिंग बनारस, राइट? और ये भी ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, तो बस ऐसे ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बस प्यार आशीर्वाद बना रहे, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। सरप्राइज, जहाँ पे मुझे 2-3 सब्सक्राइबर्स मिल गया, आई वाज लाइक कि ज्यादातर सब्सक्राइबर्स बंगाल से या तो नॉर्थ ईस्ट से होंगे, बट यहाँ पे भी 2-3 मिले थे। एक जन अगरतला से थे और उन्होंने सेल्फी खींची, आई गेस वो मुझे टैग करेंगे। और एक और जन थे जो ब्लॉगर थे, लाइक नॉट बैड। हाँ भैया, ये बोट्स आरती दिखाते हैं? अभी बंद है ना, अभी सिर्फ ये बोटिंग करती है। अच्छा अच्छा, आरती यहाँ पे होती है क्या 80 घाट में शाम को? ओ अच्छा, शाम को 80 घाट पे भी आरती होती है। आई थॉट कि सिर्फ दशमेध घाट पे होती है। तो अगर दशमेध घाट पे ज़्यादा भीड़ लग रहा है आपको, आप 80 घाट चले आओ, 80 घाट पे भी आरती होती है। और आरती कल 7:45 स्टार्ट हुआ था, 7:45 से लेके 7:11:15 तक आरती ख़त्म हो गया था। तो अगर आपको आना है, आप आधे घंटे पहले आ जाओ। दशमेध घाट पे आ रहे हो तो बहुत रश होता है वहाँ पे, और अगर वहाँ पे आप नहीं जाना चाहते तो 80 घाट पे भी आ सकते हो, 80 घाट पे भी आरती होती है। हाँ, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, अभी जो भी बनारस आ रहे ट्रेन से, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 स्टेशन है, एक है बनारस कैंट, एक है वाराणसी सिटी और एक है मनुवारी नाम है। और अगर आप राजधानी से आ रहे हो तो मैं पहले बता दूँ, राजधानी सारे डाइवर्ट हो रहे हैं लखनऊ, वाया लखनऊ, और वो फिलहाल बनारस में नहीं घुस रही है, मुझे अभी पता चला, क्योंकि कल हमारी ट्रेन है यहाँ से डिब्रूगढ़ राजधानी, और आज मैसेज आया कि वो बनारस में नहीं घुसने वाली। तो हमें यहाँ से लखनऊ जाना पड़ेगा बाय रोड, विच इज़ 5 आवर्स। चाहो तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, एंड देन फ्रॉम देयर विल हैव टू कैच द ट्रेन। ये कई 2-3 हफ्ते से चल रहा है, मैंने 2-4 लोगों से और बात की तो उनको भी ऐसे ही करना पड़ा, उनको भी यहाँ से कैब से लखनऊ जाना पड़ा, फिर लखनऊ से ट्रेन पकड़ना पड़ा, स्पेशली इफ़ इट्स राजधानी, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है यहाँ पे ट्रैक से रिलेटेड, और केबल कार वगैरह भी बन रहा है ताकि वो स्टेशन से सीधा घाट तक आ सके, तो ऐसा कुछ तो चल रहा है, और ट्रैक्स पे काम चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर ट्रेन डाइवर्ट हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अभी हो रहा है, आगे होगा ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं कि आगे होगा। अगर आप 6 महीने बाद आ रहे हो, 4 महीने बाद आ रहे हो, तो ये शायद नहीं होगा, ये अभी हो रहा है, ये करेंट सिचुएशन है। आज है 13th October 2023, तो इससे मैं डेट बता रही हूँ, और कल हमारा ट्रेन है 14th October 2023, और कल हमारा ट्रेन डाइवर्ट होके जा रहा है लखनऊ की तरफ से, वो ना दीनदयाल उपाध्याय में आएगा ना यहाँ पे आ रहा है। सो
दैट इज़ द थिंग. ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी. बाकी आपके ऊपर, आप कैसे आना चाहते हो, जाना चाहते हो, ये बात आप ज़रूर देख लेना. तो इस वाले बोट जिस पर हम बैठे हैं, ये 100 रुपये पर पर्सन है और इस पर करीब करीब 20 से 25 लोग आराम से आ सकते हैं. तो सारी सवारी आ गई है और अभी हम निकलने वाले हैं. और सबसे सॉलिड बात है कि यहाँ पे हर बोट पे आपको लाइफ जैकेट पहनने को मिलेगा. तो टेंशन मत लीजिए कि कुछ हो गया तो क्या होगा, सबके पास लाइफ जैकेट है. निकल ही रही है बोट, बस हो गया अंधेरा, हो गया भैया, कुछ नहीं आएगा कैमरे में अभी तो, कल देख लिया हम लोगों ने. निकल रही है बोट, ढीला कर देगा. अबे स्टार्टिंग पे रहो. तो ये रहा हमारा बोट और बोट ने सीधा हमें उतारा है काशी विश्वनाथ जी के गेट पे और उसके ठीक पास है मणिकर्णिका घाट. और सीधा अगर आपको दर्शन करना है काशी विश्वनाथ जी के, यहाँ पे यहाँ से गेट है, यहाँ से आप आराम से जा सकते हो. मेरे ठीक पीछे है मणिकर्णिका घाट. तो अगर आप यहाँ से आ रहे हो मणिकर्णिका घाट के, वहाँ पे माथा जरूर टेक के आना. पार्वती जी जब काशी में आए थे तो आगे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ स्नान किए, कान का कुंडल और माँ का ये गिर गया, इसी ने इसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट. अच्छा, आज भी यहाँ देर बाजी जलती है, पर वो जलती रहती है. उन्होंने कुछ श्राप दिया था ना कि ये हमेशा जलता रहेगा, ये धरती है ना, ऐसा कुछ भी है ना. तो ये सती माता ने दिया था या पार्वती माता ने? पार्वती, पार्वती माता ने. अभी पता चला है जो घाट वाला गेट है, ये वाला गेट है, सिर्फ इसी के थ्रू आप मोबाइल लेके जा सकते हो. जो वीडियोस वगैरह आप ऑनलाइन देखते हो वो सब इसी घाट से आता है. और बाकी अगर दूसरे वाले गेट से जाओगे, जैसे 4, 3, 2, 1, तो वहाँ से सब कुछ आपको रख के जाना पड़ेगा, मोबाइल वगैरह पर्स. यहाँ पे पर्स और मोबाइल लेके जाना अलाउड है. अभी हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर. इधर से जाना है, ये रहा इनका मेन एंट्री. इधर से जाना है. बस यही तक ही आप काशी विश्वनाथ जी को कैमरा से देख सकते हो, उसके बाद कैमरा अलाउड नहीं है. और ये सामने मस्जिद भी दिख रहा है. और यहाँ से हम निकल जाएंगे, अंदर चले जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए. मोबाइल यहाँ पे सबमिट करना होगा, ये लास्ट स्पॉट है. मोबाइल से यहाँ तक ही आप शूट कर सकते हो. अगर आप गंगा घाट की तरफ से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं तो ये देखिए यहाँ तक फ़ोन अलाउड है, पर्सेज अलाउड है, बट उसके बाद आपको फ़ोन यहाँ पे सबमिट करके जाना पड़ेगा. ये ठीक मेरे पीछे रहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर. और ये तभी फ़ोन्स तभी अलाउड होंगे अगर आप गंगा घाट के वहाँ से आते हो, जो नया गेट बना है वहाँ से. अगर आप 1, 2, 3, 4 और बाकी गेट से आते हो तो सब कुछ आपको पहले ही सबमिट करके आना पड़ेगा. ये सिर्फ और सिर्फ गंगा घाट वाला जो रास्ता है वहीं से आप फोन से आ सकते हो. अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं तो वो बाहर रख के आना पड़ेगा. और कैंपस में आने के बाद यहाँ तक आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो. अंदर जाने से पहले फ़ोन सबमिट करके जाना पड़ेगा. ये पर्स, इतना छोटा वॉलेट आप लेके जा सकते हो. गंगा वाले घाट के तरफ से आप काशी विश्वनाथ में घुस तो जाओगे, पर आपको एग्जिट का ध्यान रखना है. काशी विश्वनाथ जी के प्रेमिसेस में है ये फूड कोर्ट, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो जो कुछ भी आपको चाहिए. ये रहा कूपन काउंटर और यहाँ पे सारा मेन्यू है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से कूपन लेके यहाँ पे आप कुछ भी चाहो तो खा सकते हो. ये है काशी विश्वनाथ जी के यहाँ पे मिलने वाली चमचम और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है. ये भी यहाँ का चमचम है और यहाँ की रबड़ी ट्राई करना बनता है, बॉस बहुत ही टेस्टी है. ये देख लो बनारस की गलियाँ. हमने एग्जिट करते वक्त सिक्योरिटी की मदद ली और ये पतली पतली गलियों से निकल के हम पहुँच गए सीधा गेट नंबर 4 के वहाँ. फिर वहाँ से रिक्शा लेके वापस रामापुरा लक्सा. हमारा बनारस का सफ़र यही ख़त्म होता है. मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सबके साथ शेयर करें.